नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि सतलोक आश्रम में कैसा क्या दृश्य है। न्यू अपडेट्स। सतलोक आश्रम धनाना धाम, यहाँ पे जो मौसम है बहुत ही अच्छा, बादल छाए हुए हैं, बहुत बढ़िया हवाएं चल रही हैं और इसमें काफ़ी भी तैयारियां चल रही हैं। न्यू न्यू बनने की अपडेट्स आए हैं, दिख रहे हैं इसमें आपको। ये पार्किंग स्थल जो है, पार्क है ये। उधर सेवा चल रही हुई है, ये मेन गेट इधर की ओर है। ये पार्क बना हुआ है जो सभी शाम को टहलते इसमें बैठते हैं। ये जो देख रहे हैं मिट्टी डालने के लिए सेवा चल रही हुई है और इधर बढ़िया हवाएं चल रही हैं जो कि गर्मी तो महसूस भी नहीं होती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ का है और ये मेन पंडाल बना हुआ है। यहाँ पे सभी लोग बच्चे बैठे हुए हैं, सभी भगत अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं और अकेले चलेंगे आपको। ये भंडार घर इधर की ओर बना हुआ है। धराना धाम में बहुत ही सुंदर दृश्य, बढ़िया हवाएं चल भी रही हैं जो कि यहाँ पे देखने में बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ आते ही अच्छे से सजाया गया हुआ है यहाँ पे। यह पार्क में बादल ऐसा छाए हुए जैसे कि बारिश होने वाली है। दिखाएंगे कि बस सभी भगत भाई जो अपने घर की ओर जा रहे हैं यहाँ पे, और आगे दिखाएंगे चल के आपको कि इसमें यहाँ पे भक्तों का आना जाना लगा रहता है डेली का। भगत आते भी हैं जाते हैं, पुस्तकालय स्थल है ये। और यहाँ पे बेसमेंट बनना हुआ है, यहाँ पे सेवा जारी हुई है, सभी भगत अपनी सेवा में लगे हुए हैं। पे देख रहे हैं आप सभी भगत इसमें सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा जारी है, चल रही हुई है। सभी भगत अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, काफी संख्या में भगत भाई सेवा कर रहे हैं इसमें, जो कि इंडिया में सब कहीं से भगत इसमें आए हुए हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नेपाल, सब कहीं के भगत यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। यूपी के भी हैं। बहुत ही प्यार से, खुशी से सेवा करने आते हैं भगत। हम देख भी रहे हैं इसमें काफी संख्या में भगत आए हुए हैं, मिस्त्री भी, हेल्पर भी, सभी सेवा कर रहे हुए हैं। छोटे से बच्चे, बूढ़े, सभी सेवा कर रहे हैं। ये एक बेसमेंट हॉल बनना हुआ है अभी, जो कि जब बनने जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी इसमें काफ़ी समय से बनने की सेवा जारी है। ये बहुत ही मजबूत बनाया जा रहा है। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे धनाना धाम के और दृश्य, जो कि बहुत ही अच्छे न्यू अपडेट्स।